सो हाय गाइस, वेलकम टू MS एडिटिंग यूट्यूब चैनल। सो आज का मेरे पर जो फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल होने वाला है वो सिंपली आपको स्क्रीन पर पिक नज़र आ रही है। सो इसी टाइप की फोटो एडिटिंग आज हम स्नैपचैट ऐप की मदद से यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आप भी इस टाइप की फोटो एडिटिंग को यहाँ पर सीखना चाहते हो तो वीडियो को आपको कम्प्लीटली यहाँ पर लास्ट तक देखना होगा, और इस फोटो एडिटिंग में हमने जो भी यहाँ पे स्टेप्स यूज किए हैं सबको आपको यहाँ पे वन बाय वन फॉलो करना है। सो गाइस, अभी तक आपने MS एडिटिंग चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी आप यहाँ पे ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो की हर अपडेट आपको यहाँ पे मिल सके। और गाइस, जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आप मुझसे एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सो गाइस, चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सो हाय गाइज, आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको स्नैपचैट ऐप को ओपन करना है और आपको अपनी पिक को यहाँ पर ऐड करवा लेना है। तो स्नैपचैट ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या गाइज आप प्ले स्टोर से जाके भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो पिक को ऐड करने के बाद में सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से अब हम यहाँ पर अपनी पिक का यहाँ पर स्काई चेंज करने वाले, यानी स्काई चेंज कलर करेक्शन वाली फोटोज कुछ ज़्यादा यहाँ पर वायरल हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो सिंपली हम कुछ उसी टाइप के हम फोटो एडिटिंग यहाँ पे करने वाले हैं। सो हमारे यहाँ पे देख सकते हो इसका ही काफ़ी यहाँ पे वाइट नज़र आ रहा है, तो सिंपली हम इसे सो गाइस हमारे यहाँ पे देख सकते हो कि पिक का स्काई काफ़ी यहाँ पे ब्राइट आ रहा है, वाइट कलर में ज़्यादा शो हो रहा है, तो सिंपली हम इसे यहाँ पे चेंज करेंगे। सो चेंज आपको कैसे करना है, आपको कोई यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज वगैरह नहीं करना, सिंपली आपको करना है कि यहाँ से आपको पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्यून इमेज पर जाना है, देन आपको यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे सेटिंग्स में कर लेनी है। तो ब्राइटनेस हम थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देंगे हल्का सा, देन लास्ट में जाएंगे हम नीचे की तरफ वार्म, तो वार्म को हम ऑलमोस्ट -100 पे यहाँ पे रखेंगे, देन इसकी सेंचुरेशन में जाएंगे, सेंचुरेशन थोड़ी सी हम इसकी बढ़ा देंगे 100 पे सेंचुरेशन रखेंगे, देन एम्बेंस को थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे 45 के आसपास, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, और यहाँ से इसको हम राइट डन कर देंगे। सो पिक हमारी कुछ स्टेप्स यहाँ पे ब्लू हो चुका है बिल्कुल। सो आपको सिंपली करना है यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पे एडिट स्टैक आपको ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, देन ट्यून इमेज जो आपने अभी इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको ब्रश आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। सो आपको नीचे की तरफ कुछ स्टेप्स यहाँ पे आपको सेटिंग्स नजर आएगी, तो सिंपली आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों के यहाँ पे सेटिंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है। सो अगर आप इसे यहाँ पे ऑन करके रखते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपकी फोटोज यहाँ पे शो होगी जो आपने अभी इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं। अगर आप इसको ऑन करके यहाँ पे एडिटिंग करोगे, यहाँ पे कुछ भी करेक्शन करोगे तो आपको कैसे करना है, सिंपली अब आपको यहाँ पे स्काई वाले पार्ट पे अपना ये ब्लू वाला इफेक्ट अप्लाई करना है ओनली अपनी बॉडीज वाले पार्ट को छोड़ के। सो सिंपली आपको यहाँ पे ट्यून इमेज 0 रखना है और कुछ इस स्टेप से आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है जो आप पार्ट यहाँ पे स्काई वाले पार्ट्स के अलावा जो पार्ट यहाँ पे इरेज करना चाहते हो। एक ट्रिक्स आपकी होगी सिंपली, अगर आप इसे यहाँ पे ऑफ करके रखोगे सो एक आपको कुछ स्टेप से होगा, तो पहले मैं इसको यहाँ पे माइनस करके बिल्कुल इरेज यहाँ पे कर देता हूँ, मैं इसे ये ऑफ रहेगा तो सिंपली आपको इसके यहाँ पे 100 करना है, 100 करने के बाद में आपको यहाँ पे इसको स्काई वाले पार्ट पे आप यहाँ पे इसको ड्रॉ भी कर लीजिएगा। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो, अगर आपसे कुछ यहाँ पे कुछ स्टेप से अगर आपके फेस पे आ जाता है तो सिंपली आप इसको यहाँ पे ट्यून इमेज को 0 करना है और उसको यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। सो गाइस, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट तरीके से कर लेता हूँ, 100 पर करनी है साइज, देन इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो गाइस, आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद सिंपली आपको इसको राइट डन कर देना है। सो गाइस, देख सकते हो आपकी पिक में काफ़ी बेटर तरीके से यहाँ पे स्काई चेंज हो चुका है। सो सिंपली इसको यहाँ पे बैक आना है, बैक आने के बाद में पेंसिल ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिटेल्स पे जाना है, डिटेल्स पे हम थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 पे यहाँ पे सेट कर देना है, यानी जो भी आपके एजेस पे यानी आ रहा होगा ये कलर्स वगैरह जो आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, देन शार्पिंग आपको थोड़ी सी यहाँ पे +10 के आसपास यहाँ पे आपको शार्पिंग रखनी है, और यहाँ से इसको राइट डन करना है, सिंपली पेंसिल ऑप्शन पे वापस क्लिक करना है, विनेट वाले इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है, देन आपको सर्किल को कुछ स्टेप से आपको यहाँ पे सेट करना है, मैं आपको बताता हूँ, देन आउटर ब्राइटनेस आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम रखना है, सर्किल को थोड़ा सा यहाँ पे और बड़ा करते हैं और थोड़ा नीचे की तरफ इसके यहाँ पे लाते हैं, यानी हमको
ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ी सी एजेस के ऊपर की तरह यहाँ पे डार्क शेडो यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे रखेंगे, देन इनर ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे और वापस आउटर ब्राइटनेस थोड़ा सा यहाँ पे कम रखेंगे, यानी हल्का सा हम डार्कनेस एजेस पे रखेंगे ऊपर की तरफ। तो इस टाइप से आप यहाँ पे डन करना है और यहाँ से इसको राइट क्लिक करना है। आपको एडिट स्टैक पे आना है, व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है, विनेट पे आपको क्लिक करना है यहाँ से। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कुछ स्टेप से आपकी सेटिंग आ जाएगी। तो आपको सिंपली यहाँ से आपको विनेट को 100 करना है और यहाँ से आपको केवल कुछ स्टेप से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, यानी आपका ये कुछ स्टेप से यहाँ पे इफेक्ट आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये इफेक्ट अप्लाई करने के बाद यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, देन बैक आना है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ये इफेक्ट आपके अप्लाई हो चुका है। पेंसिल पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे वाइट बैलेंस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन थोड़ा सा आपको टेम्परेचर को थोड़ा सा हम यहाँ पे -13 रखेंगे, देन टिल्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे +6 पे रख के यहाँ से राइटिंग कर देंगे। तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपके यहाँ डल चुका है। सो पेंसिल पे अगेन क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्यून इमेज पे जाएंगे, थोड़ी सी सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ से एम्बिएंस को भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे और थोड़ा सा वार्प की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से इसको राइट क्लिक कर देंगे। सो अब हमारे थोड़े फेस पे भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू टोन यहाँ पे नजर आ रहा है, तो सिंपली पेंसिल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट वाले टूल्स को सेलेक्ट करेंगे, देन अपने फेस वाले पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फेस वाले पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ऑलमोस्ट इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कम करेंगे और थोड़ी सी सेचुरेशन यहाँ पे कम करेंगे। देन स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कम करके यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। तो ब्लू टोन हमारी फोटोज़ के फेस के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। सो लास्ट इफेक्ट हम थोड़ा सा यहाँ पे डाल लेते हैं, हम यहाँ पे हल्का सा डिटेल्स पे हम थोड़ा सा वापस यहाँ पे वर्क करेंगे। तो डिटेल्स में स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम यहाँ पे वर्स कम करेंगे, देन शार्पिंग थोड़ी सी यहाँ पे 5 पे इंक्रीज करके यहाँ से राइट कर देंगे। सो गाइस देखो काफ़ी बेटर तरीके से आपका यहाँ पे स्काई भी चेंज हो चुका है। अगर आप काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे अपनी फोटोज़ को एडिट कर सकते हो, सिंपली आपको नीचे डाउनलोड और ऑप्शन क्लिक करके फोटोज़ को यहाँ पे सेव कर लेना। सो आई होप गाइस अगर आपको इस टाइप की फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो को यहाँ पे जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।